बीजापुर में हुए नक्सल हमले पर दीपक बैज ने कहा कि पीवीया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ पर गांव वाले ने सवाल खड़ा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि मुठभेड़ में कई ग्रामीण मारे गए हैं। कांग्रेस ने इस घटना की जांच करने का निर्णय लिया है। संतराम नेताम के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम गठित की गई है। वही जांच के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट पीसीसी को सौंपेगी। वही बीजापुर में मोटार में हुई 2 बच्चों की मौत पर कहा कि पीसीसी दीपक बैज ने कहा कि इस घटना की जांच के लिए भी कमेटी का गठन किया गया है। बीजापुर जिले के पीडिया में हुई नक्सली सुरक्षा बलों के मुठभेड़ पर गांव वालों ने सवाल खड़ा किया है। गांव वालों का कहना है कि इस घटना में निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं और इस घटना में एक गूंगे युवक सन्नो की भी हत्या हुई है। गांव वालों के सवाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की जांच करने का निर्णय लिया है और कांग्रेस पार्टी ने हमारे 2 बार के विधायक, विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर संतराम नेताम जी के संयोजक में 8 सदस्यीय जांच दल का टीम गठित किए हैं ताकि वो घटना स्थल जाएंगे, ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और वस्तु स्थिति का रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को सौंपेंगे। जांच कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी इस घटना पर अपनी रणनीति तय करेगी।